हम मॉनेस्ट्री जा रहे थे और रास्ते में यहाँ पे हमें ब्लॉकेज मिल गई, पेड़ गिर गया अपने आप, तो जिसके कारण ये पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है। एंड वी आर वेटिंग फॉर क्लियरेंस, जैसे ही क्लियर होगा फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो मॉनेस्ट्री है कहते काफ़ी अच्छी है, वर्थ वॉचिंग है, तो विल बी वेटिंग हियर सो दैट ये जल्दी जल्दी क्लियर हो सके। देखो सर गाइस पेड़ देखो आप, यहाँ पे माउंटेन्स में सबसे बड़ी इशू यही रहता है कि आपको नहीं पता लगता कब क्या हो जाए। कई बार लैंड स्लाइडिंग अचानक हो जाती है, कोई पेड़ ऐसे अचानक गिर जाते हैं। तो रणवीर भाई कहते हैं कि यार कोई ज़्यादा इतना पक्का तो है नहीं, हम इसको काट के फेंक देते हैं। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे उस तरफ भी खड़े हैं लोग काफी। एंड इस तरफ भी काफी ट्रैफिक हो रहा है अभी जाम, सो वी आर वेटिंग फॉर द क्लियरेंस। तब तक आप व्यूज देखिएगा, इस आसपास का नज़ारा लीजिए आप। तो ये बेसिकली चिल आउट पॉइंट के पास आके हम लोग अटके हैं, तो आप चिल भी कर सकते हैं, सो यू कैन हैव योर टीज एंड स्नैक्स। सो गाइस इस पेड़ को भी क्लियर करने के लिए भाई ने रास्ता क्लियर कर दिया है। वैसे तो ये यहाँ पे लीगल होता है, बट क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खुद अपने आप गिरा है तो इसलिए इसको क्लियर कर दिया। अदरवाइज को आपको काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की जरूरत पड़ती है। एंड द वे इज नाउ क्लियर, एंड जो जाम था वो खुल गया, बट हम लोगों ने भी चाय ऑर्डर कर दिया, तो हम लोग भी चाय लोग पी के इसके बाद निकलेंगे। तो थैंक गॉड वो यहीं पे थे जिन्होंने इसको जल्दी काट दिया, नहीं तो वेट बहुत करनी पड़ती। सो गाइस मॉनेस्ट्री हम जा रहे हैं, एंड इस मॉनेस्ट्री का नाम है पालपोंग शेरबलिंग मॉनेस्ट्री। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, सो वीडियोग्राफी ज़्यादा नहीं कर पाए, सो जितनी मिल सकी उतनी हमने कर ली है, बट इट इज़ अ वर्थ वॉचिंग प्लेस। एंड काफ़ी मन को शांति मिलती है यहाँ पे आके। एंड जो ये मॉनेस्ट्री है, ये जो भी नए उन्होंने कहा है कि बताया, जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये हमारे
बुद्धा के साथ रिलेटेड है, बट जो इन्होंने बना रखा है वो मैत्री बुद्धा, जो इनके आने वाले वंशज हैं उनके साथ रिलेटेड है, तो उनके ऊपर ये बना रखी है इन्होंने। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी टेक्निक्स भी सिखाते हैं, यहाँ पे स्कूल भी है। एंड इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ मेडिटेशन तो दे कैन ज्वाइन एंड दे कैन रिक्वेस्ट द गुरुजी, एंड इफ़ दे अलाउ देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल योरसेल्फ। जगह पे होते हैं सारे पैराग्लाइडर आकर लैंड, उधर से आते हैं ऊपर से, जहाँ पे अभी सुबह गए थे आपने देखा होगा, और वहाँ पे काफ़ी बर्फ है उस पहाड़ पे, मौसम बहुत ठंडा है, बढ़िया चल रही है। तो इस जगह पे होते हैं सारे आकर लैंड। Thank you.